बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का GDP सॉल्यूशन शेयर करूंगी। ये आपका मिड टर्म्स पहले एक ही GDP आता है और इसकी फाइनल में आई थिंक 2.5% है। तो आपने ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मीन्स कि हमने जितनी पीछे MGT की बुक्स पढ़ी हैं, आई थिंक के सब बुक्स के बीच में ये क्वेश्चन होगा। बहुत ही आसान है और मैं आपको इसके 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस बताऊंगी। उनकी आप लाइंस को मैनेज करना, सेंटेंस बनाइएगा, थोड़ी सी चेंजिंग करना और अपना यही GDP सॉल्यूशन सबमिट करा दीजिएगा। लेकिन इस बात को कंफर्म कीजिएगा कि जो आप लिख रहे हो बिल्कुल सही हो, क्योंकि आपको पता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके पेपर में रिपीट होती हैं। तो आपको पता है कि आपने इनमें जरा भी मतलब लाइंस नहीं छोड़नी। ऐसा आंसर लिखना है, करेक्ट एक्यूरेट आंसर लिखना है कि टीचर कहीं से भी आपके मार्क्स ना काट सके। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 दिसंबर है, यानी फ्राइडे है। और आपको पता है कि GDP के ऊपर कोई भी एक्सटेंड डेट नहीं मिलती। और अब सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, खुलासा डिटेल में नहीं चाहूंगी। ये एक इंटीरियर डिजाइनर है। इंटीरियर कहते हैं दाखिले को, ठीक है, दाखली या दाखला। इंटीरियर डिजाइनर है जो कि एक इंटीरियर डेकोरेशन के नाम के मतलब इंटीरियर डेकोरेशन के लिए एक इंटीरियो नाम का ब्रांड खोलना चाहता है। स्टार्ट में उसने जो रखी है वो वॉलपेपर्स इंक्लूड है उसके बीच में और पेंटिंग्स इंक्लूड है। अब आप इन 4 लाइनों को अच्छे से देख लें, आगे ये हमारे सॉल्यूशन में आएंगी। क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपने मार्केटिंग मिक्स लिखना है 4 पीस, और इसके 4 पीस को आगे ऊपर वाले स्नैरियो को देखते हुए डिस्कस करना है। नीचे मार्क्स की देखने कैसे इन्होंने मार्किंग की है कि जो मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन है वो 1 मार्क्स की है। आगे 4 पीस मैं आपको बताऊंगी 4 पीस क्या चीज है, तो ये 1-1 मार्क्स का एक होगा। तो पहले मैं आपको यहाँ से बताऊंगी, थोड़ा सा देख लें। ये मैंने MGT 301 के हैंड आउट्स खोले हैं। आप लेसन नंबर 19 पे आएंगे और पेज नंबर 92 पर, तो वहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट नाम का। यहाँ से आप थोड़े से पॉइंट्स को मैनेज कीजिएगा और आप ये सबमिट करवा दीजिएगा। मार्केटिंग के बारे में पहले इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है और यहाँ पे आगे से खुद बता रहे हैं। जैसे 4 पीस इसने बताया ना, तो आपने इसकी अरेंजमेंट नहीं भूलनी। ये मिड टर्म में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसकी अरेंजमेंट क्या है। जैसे पहले प्रोडक्ट है, फिर प्राइस है, फिर प्लेस है और फिर प्रमोशन है। अब आपने बारी बारी जस्ट इनकी डेफिनेशन लिख देनी है। जैसे प्रोडक्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा, जैसे कि आप एक सोप का खोलते हैं कारोबार, ठीक है, तो प्रोडक्ट आपकी क्या होगी, सोप। प्राइस की बात आ जाए तो आपका मतलब जो साबुन है वो उसकी क्या कीमत हो जाएगी, वो होगा प्राइस आपकी। प्लेस के कहाँ पे वो मैन्युफैक्चर होगा, कहाँ पे वो सेल किया जाएगा। प्रमोशन, देखें कोई भी हम चीज़ पहले बनाते हैं ना, तो उससे पहले हमें उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, मीन्स प्रमोशन करनी पड़ती है। जैसे कि कोई मूवी मार्केट में आने लगती है तो उससे पहले लोग उसकी प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो उसके लिए हमें डिफरेंट, अब तो सोर्सेज आ गए, न्यूज़पेपर आ गया है, सबसे पहले तो सोशल मीडिया आ गया और वॉलपेपर्स लगा के बड़े बड़े लोगों को बताया जाता है कि आप ये हम अपना मार्केट खोलने लगे हैं, आप यहाँ पे आके हमारे ब्रांड को यूज करें, ठीक है। अब ये इसने 4 पीस के बारे में हमें बताया, प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्रमोशन। इसको आगे भी डिटेल में डिस्कस किया गया, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यकीनन आपको समझ आ जाएगी। एक और मैंने आपको उसका सेकंड सॉल्यूशन आपको बताना था। ये मैंने MGT 211 के हैंड आउट्स खोले हैं, देखें लेक्चर नंबर 24 है और पेज नंबर 128 है। मार्केटिंग मिक्स कंप्लीट चैप्टर है इसका और ये इसके 4 पीसेस के ऊपर आता है। 4 पीस, पीस की मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसकी अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा। और प्लेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इसके बांटना। अब यहाँ से आप देखें प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन बताइएगा और एग्जाम्पल बताइएगा, और आगे से मैं आपको बताऊंगी कि आप इसके सॉल्यूशन को कैसे मैनेज करके यही आंसर सबमिट करा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट के बारे में, द गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज, मीन्स के कोई भी चीज़ हो जाए, डेट इज मार्केट टू फिल द कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स, जो कि कस्टमर की खरीदने के लिए, मीन्स की उसे खरीदना चाहते हो, जरूरत हो उसकी। देखिए पहले जब आप मार्केट में आते हैं ना, तो आपको खुद लोगों के तरले मिलते मार्केट चीज बेचनी पड़ती है, लेकिन जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, मार्केट में आपका नाम बन जाएगा, तो फिर लोग आपके लिए कहेंगे कि मुझे बस ये प्रोडक्ट चाहिए, इस नाम की चाहिए, बस एक बार नाम बनने का देर है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस। प्राइस का आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आप जस्ट इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, जो लाइन्स आपको अच्छी लगे वो आप अपने सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा। और एक बात और कि
आपने इतना अच्छा सॉल्यूशन देना है ना कि टीचर कहीं से भी आपके मार्क्स ना काट सकें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बहुत लिमिटेड से टाइम में आपके साथ ये तीनों सॉल्यूशंस शेयर कर दूँ। फिर थर्ड वन में हमारे पास प्लेस, प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करेंगे और कहाँ कहाँ हम इसको सेल करेंगे, जहाँ पे कस्टमर्स ज्यादा हो। मीन्स कि आप देखें देहातों में इतनी चीजें नहीं बिकती जितने की शहर वाली साइड पे बिकती हैं, या जिस तरह के, और जैसे कि डिफेंस में, सेटेलाइट कॉलोनीज में, ऐसी जगह पे हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो ज्यादा अच्छी सेल हो जाती है। तो प्लेस का बहुत ज्यादा फैक्टर होता है, इफेक्ट करती है कि आपकी प्रोडक्ट को बेचने में। देखें अब जहाँ के लोग उर्दू समझते हैं, आप उन्हें वहां पे कोरियन की कोई भी वीडियो लगा के दे दें, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होगी। मीन्स कि जहाँ के लोग हैं उन्हें वैसी चीजें ही पसंद आती हैं। अब यहाँ पे आके आप नूडल्स वगैरह बेचना शुरू कर दें देहात में आके, तो नहीं ना बिकेंगे। इसके बजाय अगर आप दाल चावल या तंदूरी रोटी और कबाब वगैरह या टिक्का वगैरह कोई वो बेचना शुरू कर देंगे, तो वो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, वो चीजें आपकी बिकेंगी। मीन्स प्लेस बहुत ज्यादा मैटर करती है। लास्ट हमारे पास इसका फोर्थ फैक्टर आ जाएगा प्रमोशन, प्रमोशन के एडवर्टाइजमेंट करना। मैं पहले भी आपको छोटा छोटा इसका खुलासा बता चुकी हूँ, अब आप ये यहाँ से बस इसको स्क्रीन शॉट लें और इन लाइन्स को मैनेज करें, थोड़ी बहुत चेंजिंग करें और बेशक इसी को ही सबमिट करा दें, ठीक है। प्रमोशन में क्या आ जाएगा कि हम उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं। मीन्स के पहले 1 महीना पहले, 2 महीना पहले हम मार्केट बनाते हैं अपनी प्रोडक्ट की। इस दुकानदार के पास जाते हैं कि तुमने अपने पास मेरी प्रोडक्ट को रखना है और इसको मार्केट रेट से 10% नीचे, मतलब इसकी प्राइस रख के तुम्हें इसको सेल करना है। और लोगों का कहना है कि बस मेरी ही ये प्रोडक्ट खरीदो, मतलब जिस तरह के सोप है, मैं लक्स नाम रख देती हूँ, ठीक है, ये लक्स साबुन ही खरीदो, ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। दूसरा आप मतलब दुकान वाले को ये कह दो, तो और मैं तुम्हें इसका प्रॉफिट भी दूंगा। तो ये हो जाएगी प्रमोशन। डिफरेंट बड़े बड़े आप उसमें जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे, उनको जाके कहेंगे, या शॉप्स पे जाएंगे बड़ी बड़ी, तो वहां पे इसे हो जाएगी प्रमोशन। थर्ड सोल्यूशन जो मैंने लिखा है वो ये है मार्केटिंग मिक्स, तो कंसिस्ट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। आपको पता है ये इसके औजार है मार्केट के, जैसे कि बीच में आ जाएगा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। ये इन्होंने ना मार्केट को पूरे तरीके से वो किया होता है, कंट्रोल किया होता है मार्केट की प्राइस को, मार्केट के इन्फ्लुएंस को, कस्टमर को, कस्टमर का ध्यान किस चीज पे है। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी कि आप कोई भी प्रोडक्ट खोलने से पहले ना देखेंगे, उसको बनाने से पहले देखेंगे कि कस्टमर का ध्यान किस तरफ है, किस तरह की चीज मांग रहे हैं, क्या चीज वो चाहता है। उस मुताबिक जब आप चीज बनाएंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी, आपको मतलब वो चीज आपकी मार्केट में सबसे ऊपर जाएगी। अब प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है और प्लेस है। अब आप मैंने आपको कहा था ये 3 4 लाइंस आपने देखनी है, तो ये देखें, ये मैंने हर एक में लिखे हैं। आप क्वेश्चन को गौर से पढ़े ना, इन्होंने लिखा है राइट आ मार्केटिंग मिक्स 4 P's इन डिटेल बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो इन इंटीरियो। तो मैंने ये ऐसे जैसे मुझे बेहतर लगे मैंने लिख दिया। आपने प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा बताना है, थोड़ी सी एग्जाम्पल दे दें, मीन्स कि आपकी 3 4 लाइंस बन जाए, जस्ट आप ये थोड़ी बहुत एडिशन करें इसमें और ये सबमिट करा दें। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट से मुझसे पूछ लें। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।